अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बारी, आप देख रहे हैं यूबी ब्लॉग्स। आज मैं आया हूँ द माइटी सोडा और रामस्वामी माय चॉइस मेडिकल के बराबर में कहलाया जाता है ये द माइटी सोडा। इसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं, एक महीना हुआ है, पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में सोडा दिया जाता है, तो हम आपको दिखाते हैं। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि हम ज़्यादातर फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये भाई का जो है मशीन है, यहाँ से सारे फ्लेवर्स चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन है, रसबेरी है, पीच है, एप्पल है। और भाई अभी बर्फ़ डाल रहे, भाई मिनरल वाटर का ऐसा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं भाई दो बना रहे हैं, और इनका जो ग्लास है वो भी जो है प्रिंटेड है, क्रिस्टल में, क्रिस्टल प्लास्टिक में, लोकल नहीं है। आप भाई बना रहे हैं, हम आपको बताते हैं। ये आप फ्लेवर डाल लें, तो भाई ने एक आलू बुखारा फ्लेवर डाला और दूसरा कॉकटेल मैंने बोला था, पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड वाइज बंद कर दी। भाई कितना टाइम हो गया आपको? अभी एक महीना हो गया है। एक महीना हो गया है, तो सेल हो जाती है आपकी? तो आपने जो इधर नाम आपने रखा माइटी, इसकी क्या वजह है? माइटी ताकतवर, माइटी का मतलब ताकतवर। अच्छा, तो आपकी कोई और ब्रांच है? हमारी नाजमाबाद एक नंबर पे थी, वहाँ से खत्म रहती है, तो हमारी दूसरी जो है वो बल्दिया में बन रही है। अच्छा, नाजमाबाद एक नंबर में ब्रांच थी भाई की, अब बल्दिया में बन रही है। क्या आप नंबर देख सकते हैं? ये अवेलेबल है फूड पांडा पे भी अवेलेबल है ये माइटी सोडा, और आप डिलीवरी भी कर सकते हैं। अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। माइटी सोडा ले लिया, ये जो है कॉकटेल है। मज़ेदार। अभी हमारे पास एक भाई हैं, इनसे हम सवाल करते हैं। भाई माइटी सोडा आपको कैसे लगा? काफ़ी अच्छा है भाई। जी, तो जब भी मतलब गर्मी हो, पसीना पसीना आना हो, जैसे काफ़ी आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है। जी भाई, तो से यहाँ जो लोगों ने ब्रांच खोली है, ब्रांच बहुत अच्छी है। जी भाई, तो इसका जो सोडा पीछे हमारे में अलग से एनर्जी आती है, एनर्जी से आ जाती है। भाई का यही कहना है कि भाई मैं यहाँ पर करीब रहता हूँ, और जैसे हम डिहाइड्रेट होते हैं सुबह, आपको पता है अभी कराची में गर्मी चल रही है, डिहाइड्रेट रहता हूँ, और मैं जब ये पीता हूँ तो मेरा एनर्जी आ जाती है, हाइड्रेटेड हो जाता हूँ मैं।